एथिक्स प्रभारी ने इस अनशन के लिए कहा है कि अनशन सही उचित नहीं है और फिर भी पायलट जी अनशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पायलट जी राजस्थान में उन्होंने चुनाव के समय पहले वादा किया था जनता से कि मैं जो ये वसुंधरा सरकार ने भ्रष्टाचार वगैरह किया है तो उनकी जांच करने के लिए वादा किया था, जो जांच हो नहीं पाई। उन्होंने पहले लेटर भी लिखा था तो भी जांच नहीं हो पाई, तो अभी उन्होंने अभी एक बार सरकार को थोड़ा चेताने के लिए एक बार अनशन किया है ताकि सरकार वसुंधरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करे और उनमें जितना जो घोटाला वगैरह हुआ है उनका सज़ा मिले, इसलिए एक अनशन कर। अगर फिर भी जांच नहीं होती है तो फिर बाद में क्या आगे रणनीति अपनाएंगे पायलट जी? देखो वो तो रणनीति सभी कार्यकर्ताओं से डिस्कस करके ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो जिसने भ्रष्टाचार घोटाला किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो देखा जा रहा है कि जो मतलब चेहरा लगाया है वो सिर्फ महात्मा गांधी जी का लगाया, इनके जितने भी बड़े नेता हैं उसका किसी का भी चेहरा नहीं लगाया गया है यहाँ पे, तो आपको क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये खुद की नई पार्टी भी बना सकते हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना है नहीं, ऐसा सचिन पायलट करेंगे, नई पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी के साथ ही रहेंगे, साथ में रहकर संघर्ष करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक है तो जनता इनसे जवाब मांगेगी कि हमने आपको वोट दिया है पहले जिस बात पे दिया है तो उसका क्या हुआ, तो इसलिए अभी इनको संघर्ष तो करना पड़ेगा, फिर जहाँ से करवानी नहीं करवानी वो तो मुख्यमंत्री साहब का काम है। कि दो साल पहले अचानक पायलट साहब 19 विधायकों के साथ बाहर गए थे, तो उस टाइम क्या लग रहा था आपको, क्या बीजेपी में शामिल होने वाले थे या खुद की नई पार्टी बनाने वाले थे या क्या? नहीं नहीं नहीं, नई पार्टी बनाने के लिए नई बीजेपी में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने सिर्फ जनता से वादा किया था, वादों पे खरे उतरने के लिए, जनता का काम करने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो वो क्या संदेश देना चाह रहे थे बाहर जाके? वो बाहर जाके सीएम साहब को जो अशोक गहलोत जी ने उस समय वादा किया था कि मैं आपको सीएम बनाएंगे, ऊपर आलाकमान ने भी वादा किया था, लेकिन वो वादे पे आलाकमान नहीं खरा उतरा, नहीं सीएम साहब अशोक गहलोत जी खरे उतरे, तो उन्होंने संघर्ष तो किया है और करना भी पड़ेगा। तो अभी भी सीएम नहीं बनाया तो फिर आगे जाकर आपको क्या लगता है जो 2023 का चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? नहीं, अभी नुकसान तो यदि इनको कुछ भागीदारी नहीं मिली, इनके संघर्ष से ही सत्ता आई है और भागीदारी नहीं मिली तो फिर नुकसान तो पार्टी को। अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो क्या आप लोग फिर वापस से कांग्रेस पे विश्वास जताएंगे या और किसी पार्टी पे जताएंगे? हम तो पायलट साहब के साथ रहेंगे, जो वो डिसीजन करेंगे उनके साथ ही रहेंगे। अगर पायलट साहब खुद की भी पार्टी बनाएंगे तो आप लोग पायलट साहब के साथ रहेंगे? पायलट साहब जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे। तो आना जो आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सीएम का चेहरा कौन लगता है आपको, कौन होगा? सचिन पायलट। हाँ, यहाँ कार्यकर्ता को सभी एक ही मांग है कि इस बार भी आप लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट ही हमारे सीएम का चेहरा रहेंगे, लेकिन फिर भी गहलोत जी बने और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उप मुख्यमंत्री पद से भी हट गए, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हट गए। वो तो इन्होंने जानबूझकर हटाया है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी कोशिश तो सीएम बनने की थी लेकिन उनको ठीक नहीं लगा तो उन्होंने अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, डिप्टी सीएम से भी हटा दिया, तो उनकी वो थोड़ा रवैया तानाशाही टाइप रहा है। जो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर बाद में सीएम का चेहरा घोषित कर देगी पार्टी? कोशिश तो है, करेगी तो पार्टी को फायदा होगा, नहीं करेगी तो सीधा नुकसान तो होगा ही, दिख रहा है। गहलोत साहब के नाम पे तो पहले चुनाव लड़े ही है, सबको पता है कितनी सीट आई, 21 आई, जो भी आई बहुत कम आई। गहलोत साहब को सीधा अभी चलो वो सीएम है, भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन बिना सीएम वो कभी भी कोई कार्यक्रम कर दे इतनी भीड़ आएगी? जैसे पहले अब कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के वो उनको हटाया था तो गहलोत साहब ने कार्यक्रम किया था, कितनी भीड़ थी, उससे आज कई गुणा ज़्यादा है। और ये कोई पद भी नहीं, सिर्फ एक विधायक है और क्या है, तो अब देख लो जनता का क्या रुझान है। उनके पायलट साहब के पक्ष में राजस्थान की पूरी जनता उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेगी। तो आपको क्या लगता है पायलट साहब कांग्रेस छोड़ने की उम्मीद है या फिर बाद में क्या कांग्रेस में ही रहेंगे या बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं या खुद की नई पार्टी बना सकते हैं? नहीं, कांग्रेस में ही रहेंगे, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस में ही रहेंगे और अंदर पार्टी के अंदर रहकर उनसे जो भी उनका उनकी खिलाफत कर रहे हैं उनसे मुकाबला करेंगे, पार्टी में रहेंगे और आगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सचिन पायलट सीएम बनेंगे। तो अगर सचिन पायलट को चुनाव से पहले अगर सीएम का चेहरा घोषित नहीं करता है तो, और अगर बाद में कहती है पार्टी कि हम लोग चुनाव के बाद में देखेंगे कि किसको सीएम का चेहरा घोषित करना है, तो आप लोग क्या रवैया रहेगा आप लोग? नहीं, हम सचिन पायलट के साथ रहेंगे, यदि सीएम घोषित नहीं करेगी तो फिर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इसे। तो उसका जो नुकसान उठाना पड़ेगा आपको क्या लगता है 200 में से कितनी सीटें आ जाएंगी? फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, सरकार नहीं बनी तो शायद 90 आओ या 10 आओ 20 आओ कितनी आओ, फिर मतलब नहीं, सरकार नहीं बनेगी फिर। मतलब सरकार नहीं बनेगी अगर इनको सीएम चेहरा नहीं बनाया तो सरकार नहीं बनेगी? हाँ, सचिन पायलट को नहीं बनाते बिल्कुल सर नहीं बनेगी। राजस्थान की जनता की यही मांग है, सीएम का चेहरा अगर सचिन पायलट साहब को नहीं बनाया जाता है
तो बिल्कुल ही बहुत कम सीटें आएंगी ये मान के चलो आप। क्या लगता है आपको कितनी आएंगी, 5, 10, 20, 50, 100 कितनी उम्मीद? अब हमारे हिसाब से तो पहले 21 पे पहुंच गए थे, अब की बार 21 पे मुश्किल पहुंचेंगे अगर इनको नहीं बनाया तो। ये मानो ये मानो 5 सीट से भारी पड़ेगी, 5 सीट भी भारी पड़ेगी, 5 सीट भी भारी पड़ेगी इनके। मैं बताऊँ ये जो कहते हैं कि गहलोत सरकार काम पे, अभी जयराम रमेश जी ने बयान दिया था कि गहलोत के काम पे चुनाव लड़ेंगे। देखो काम तो पहले भी सरकारों ने बहुत करवाए हैं, लेकिन चेहरा होता है। अब बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा आया, उसके बाद से देखो सातवें आसमान पे। अगर सीएम साहब का चेहरा अगर पायलट साहब को नहीं बनाते हैं तो काम से कुछ नहीं होगा। बहुत सरकारों ने किए लेकिन फिर भी 21 पे आ गई, पहले भी खूब काम किए। तो सबसे पहले राजस्थान की जनता मतलब दिल में सचिन पायलट बसता है, ये पानो जनता का लाडला है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा आया तो वो इतना बढ़ गए हैं, अगर मोदी जी जैसा चेहरा राजस्थान में आ जाएगा तो क्या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। अगर ऐसा चेहरा अगर कांग्रेस लाती है तो बिल्कुल कांग्रेस को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। नहीं, जैसे मोदी जी की बात की तो अगर बीजेपी मोदी जी जैसा चेहरा ले आती है तो क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे कांग्रेस? हम आपको बता दें सीएम साहब के रूप में सचिन पायलट साहब को देखना चाहते हैं हम, बिल्कुल उनके साथ में, ये पक्की बात है। नहीं जाएंगे हम उनके साथ में। एक युवा दिलों की धड़कन है ये, सचिन पायलट युवा दिलों की धड़कन है, सचिन पायलट ही सही। राजस्थान की जनता की एक ही मांग है, सचिन पायलट, सचिन पायलट। तो अभी जो अनशन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है पार्टी आगे क्या इन पे कार्रवाई कर सकती है? पार्टी क्यों कार्रवाई करेगी इन पे, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। राहुल गांधी जी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी संस्थागत रूप से पिछले 5 साल में वसुंधरा जी ने यहाँ पे किया, उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? अडानी को बचाने का काम कौन कर रहा है? यही सब तो मांग सचिन पायलट कर रहे हैं। और ये सरकार तो आप ही की है ना, हमारी सरकार क्यों, हमारी सरकार के अंदर हम मांग कर रहे हैं, ये हमारे आंतरिक लोकतंत्र की बात है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र आपने चुनावों में देखा, राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया संसद के अंदर, आपने देखा नहीं था क्या? हमारे अंदर कहने की हिम्मत है और सुनने की शक्ति है, इसलिए सचिन पायलट साहब मजबूती से आवाज़ उठाते हैं उस प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो ग्रास रूट पे काम करता है। और जो विपक्ष में रहते हुए हमने जो मुद्दे उठाए थे, लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही सिर्फ मुद्दे बनाते हैं क्या? जो बजरी का घोटाला हुआ, जो शराब का घोटाला हुआ, जो माइंस का घोटाला हुआ, उन सब घोटालों की जाँच नहीं होनी चाहिए? जब हम जनता के बीच में जाते हैं, मैं जोधपुर जिले के प्रत्येक संभाग के प्रत्येक गांव के अंदर आता जाता हूं, लोग हमें पूछते हैं वसुंधरा जी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए थे, क्या कांग्रेस के नेताओं ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का क्या हुआ, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सब मांग को लेकर के हमारे आंतरिक पार्टी के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज गांव-गांव ढाणी-ढाणी से यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बिना बुलाए सचिन पायलट को समर्थन देने आया है। आप मीडिया के लोग इसकी ताकत को समझना होगा आपको।